नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल लर्निंग एंड स्पीकिंग। टुडे वी डिस्कस व्हाट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन इंग्लिश। व्हेन सेंटेंस फिनिश्ड ऑन चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका हो, चुके हो, चुकी हो, चुकी हूँ, चुका हूँ, लिया है, लिए हैं, ली है, दिया है, दिए हैं, दी है, गया है, गए हैं, गई है, किया है, किए हैं, की है, आ है, ए है, ई है। देन वी से दैट इट इज़ अ सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। This is the identification of present perfect tense. Present perfect tense क्या है? जब भी कोई वाक्य चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका हो, चुके हो, चुकी हो, चुकी हूँ, चुका हूँ, लिया है, लिए हैं, ली है, दिया है, दिए हैं, दी है, गया है, गए हैं, गई है, किया है, किए हैं, की है, आ है, ए है, ई है पर समाप्त होता है तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहते हैं। यह सभी शब्द हैं जिसके द्वारा हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किस प्रकार वाक्य को बनाने के लिए किया जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब में सिंगुलर ही, शी, इट नेम के साथ हैज़, प्लूरल आई, वी, यू, दे के साथ हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके वाक्यों को बनाया जाता है, जिससे कि इंग्लिश में वाक्य बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव अर्थात साधारण वाक्यों को बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, जिससे कि पूरा वाक्य बनता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है यह मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था, जिससे यदि आप नहीं देखा है तो आप वह वीडियो देखकर सीख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अफर्मेटिव सेंटेंस का, तुमने आज मुझे एक वादा दिया है, यू हैव गिवन अ प्रॉमिस टू मी। इसमें यू सब्जेक्ट हैव हेल्पिंग वर्ब है, गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और प्रॉमिस टू मी ऑब्जेक्ट है, जिनको मिलाकर यह वाक्य बनाया गया है। दूसरा एग्जांपल, मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है, आई हैव फिनिश्ड माय वर्क। इसमें आई सब्जेक्ट हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है, फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है और माय वर्क जो है इसमें ऑब्जेक्ट है। इन सभी को मिलाकर यह पूरा वाक्य बनाया गया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस अर्थात नहीं वाले वाक्य किस प्रकार बनाए जाते हैं? इसके लिए हम सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने उसे धोखा नहीं दिया है, आई हैव नॉट डिसीव्ड हिम। इसमें आई सब्जेक्ट हैव हेल्पिंग वर्ब है, नॉट मेरे के लिए नहीं का प्रयोग किया गया है, डिसीव वर्ब की थर्ड फॉर्म है और हिम ऑब्जेक्ट है, जिसको मिलाकर यह वाक्य बनाया गया है। सेकंड एग्जांपल, वह परीक्षा में फेल नहीं हुई है, शी हैज़ नॉट फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। इसमें शी हमारा सब्जेक्ट हैज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब है, नहीं के लिए नॉट का प्रयोग किया गया है, फेल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है और इन द एग्जामिनेशन हमारा ऑब्जेक्ट है। इन सभी को मिलाकर वाक्य को पूरा बनाया जाता है।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक, जिन सेंटेंस के अंदर प्रश्नों को पूछा जाता है, इसको बनाने के लिए हम हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या उन्होंने मेरी सहायता करने से इनकार कर दिया है? हैव दे रिफ्यूज टू हेल्प मी, इसमें हैज हैव हेल्पिंग वर्ब है हमारी, सब्जेक्ट दे है, रिफ्यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म है, टू हेल्प मी ऑब्जेक्ट है, इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पहले किया जाता है क्योंकि यह प्रश्नवाचक वाक्य है। दूसरा एग्जाम्पल, क्या वह पागल हो गया है? हैव ही गॉन मैड, इसमें हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ही हमारी सब्जेक्ट है, गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है और मैड हमारा ऑब्जेक्ट है, जिसको मिलाकर यह पूरा वाक्य बनाया गया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक प्लस नहीं वाले वाक्य, जिनको बनाने के लिए हम हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपने अपना काम समाप्त नहीं किया है? हैव यू नॉट फिनिश्ड योर वर्क, इस पूरे वाक्य को बनाने के लिए हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, नहीं के लिए नॉट का प्रयोग किया गया है, फिनिश्ड वर्ड की थर्ड फॉर्म है और योर वर्ब ऑब्जेक्ट है, जिसके द्वारा यह पूरा वाक्य बना है। दूसरा एग्जाम्पल, क्या मोहन स्कूल नहीं गया है? हैज़ मोहन नॉट गोन टू स्कूल, हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब, मोहन सब्जेक्ट है, नहीं के लिए नॉट का प्रयोग किया गया है, गॉन वर्ड की थर्ड फॉर्म है और टू स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है। आज के लिए बस इतना ही। मेरे अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है। धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल से कुछ सीख पाए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि मेरे आने वाले वीडियो को आप सबसे पहले पा सकें। थैंक यू। नमस्ते।